I, Sanchita Bhattacharya, welcome you to our program. Subject is painting. Today we have a very interesting topic, that is Pahari miniature art, like Pahari miniature painting. Bulair miniatures are known for the softness of colors and delicacy of beauty, as have the miniatures of Bulair. Fog-like tender clouds and sensitively treated nature are typically of Garhwal. Well, defined faces and costumes endowed with great realism, where each figure has its own distinct features and lifestyle, and art specialist of Indar art. So, ये है गारवल आर्ट, गारवल स्टाइल. तो ये जो पेंटिंग आप देख सकते हैं कि राधा एंड कृष्ण लुकिंग इनटू अ मिरर, इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी बहुत ही खूबसूरत ब्यूटीफुल पिक्चर है. आप देखिए अच्छी तरह से इस पिक्चर को, राधा एंड कृष्ण एक ही मिरर में अपना अपने को देख रहे हैं, और देखिए मिरर में भी कृष्ण भगवान को ऊपर में रखा है एंड राधा का चेहरा नीचे में, दोनों का ही चेहरा उसमें दिख रहा है. कितनी खूबसूरत कंपोजिशन है इसमें. मिरर में ऊपर में कृष्ण भगवान का चेहरा है, नीचे राधा की चेहरा है, एंड दोनों जो वहाँ से देख रहे हैं, एक मैट अपने जो एक पालंग पे बैठे हैं या हम छोटा सा जहाँ पे सीट में बैठे हैं, वो जो है उसकी कलर है लाइट, मतलब येलो कलर का है. गरवाल पेंटिंग का यही बहुत ही खूबी होता है, उन्होंने उनकी जो फिगर का जो पेंटिंग होता है, हर कंपोजिशन अलग से, बिल्कुल अलग तरीके से उन्होंने बनाते हैं. वहाँ पे डार्क ब्लू, लाइट, हल्का कलर, हर कलर का यूज़ करते हैं. और ये जो राधा एंड कृष्ण जो देख रहे हैं, मिरर को जो दिखाया, आर्टिस्ट ने कितनी बखूबी से ये पेंटिंग को बनाए हैं. और देखिए दो सखियाँ बैठ के वो राधा एंड कृष्ण का ये जो मिरर में जो उन्होंने देख रहे हैं अपने आप को, ये चीज़ को उन्होंने दर्शन कर रहे हैं. तो ये जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से आर्टिस्ट ने बनाया है, एंड कृष्ण का ड्रेस जो बनाया येलो कलर का, एंड राधा का मतलब ये ऑरेंज है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत ऑरेंज है. ये इसमें खूबी है जो आर्टिस्ट ने जो बनाया है, मिरर में भी दोनों का चेहरा दिख रहा है. ये बहुत ही ब्यूटीफुल पेंटिंग है. नाउ वी विल कम कन्वेंशनल हील्स, स्ट्रेन्ड नेचर, स्टाइलाइज्ड ह्यूमन फिगर्स कैरेक्टराइज जम्मू आर्ट. The elegantly bejeweled and costumed Jammu men and women are tall and slim and have sharp features. Light colors used in brighter tones are characteristic of Jammu art style. Patiala in Punjab plains has yet another Pahari sub style. It is largely influenced by Sikh life in costumes. Choice of colors, features and style of beads and mangkot, Bilaspur, Kulu, Noorpur, Kashmir, Lahore and a few other minor centers also pursued art activities, but with little distinction. So this is a Kashmir style of miniature art. Kashmir bhi हिली एरिया में ही है, आई मीन हिमालय की फुट हिल में है. कश्मीर हमारे भारत के सबसे ऊपर पोर्शन में है, जहाँ पे हिमालय का फुट हिल है. तो ये जो कश्मीर आर्ट जो है, वो भी मिनिएचर, अपना मिनिएचर आर्ट बनाने लगे हैं. और कश्मीर मिनिएचर आर्ट भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने अपना ब्राइट कलर का यूज़ करते हैं. और इसमें देखिए विष्णु एंड डिवोटीज का जो पिक्चर उन्होंने बनाए हैं, बीच में विष्णु का पिक्चर बनाए हैं. और ये जो कलर है, देखिए सारे कॉस्ट्यूम या ऑरेंज कलर में बनाए, एंड जो बॉडी बनाए डार्क येल्लो कलर का बनाए, तो लेमनिश येल्लो. लेकिन कोई भी चीज़ एक के साथ दूसरा हम बहुत ही अच्छी तरह से माइन्यूट आउटलाइन से इन्होंने डिवाइड किया है पिक्चर को, फिगर को. एंड जो बॉडी का विष्णु के साथ जो डिवोटीज बनाए, सारे डिवोटीज का जो डिवोटीज उन्होंने बनाए हैं, विष्णु भगवान का जो पिक्चर बनाए, सभी का कलर लेमनिश येल्लो और थोड़ा सा डार्क है. ये कश्मीर का स्टाइल ही ऐसा है
कि उन्होंने बहुत डार्क कलर का यूज़ करते हैं, ऑरेंज कलर में उन्होंने बैकग्राउंड जो किया है, नीचे का पोर्शन जो है ऑरेंज कलर है, थोड़ा सा ऊपर में जो पोर्शन है वो येल्लो कलर है। देखिए ये येल्लो कलर भी बहुत ब्राइट येल्लो है, डार्क येल्लो है। इसमें हम जो कलर यूज़ करते हैं वो कलर में डिवाइड किया है, एंड उसके ऊपर का जो पोर्शन उन्होंने बनाए, जस्ट विष्णु भगवान की चेहरा के पीछे जो उन्होंने बनाए हैं वो ब्लैकिश बनाए हैं, एंड ब्लैकिश के सामने जो उन्होंने चेहरा बनाया बैकग्राउंड ब्लैकिश, एंड सामने का जो चेहरा बनाए वो वाइटिश मतलब येल्लोइश। तो कितना अच्छा लग रहा है कि बैकग्राउंड के साथ फोरग्राउंड का जो कॉम्बिनेशन है, कलर कॉम्बिनेशन कितनी खूबसूरत बनाए हैं। Now let us come. Pahari painting had two principles phases of development. The earlier phase that started from the mid 17th century is extraordinary, colorful with its primitive, expressive, charged with vitality and emotional intensity. This early Pahari paintings can be distinguished by fish-shaped, elongated eyes, oval face, receding foreheads, round chins and prominent noses, bold figures are carefully laid against monochrome backgrounds of red, yellow, green or brown colors. Decorative pygmy trees suggest the feeling of perspective, which while the sky is indicated only by the narrow strip on the हॉरिजन। सो एक बात हम कह देते हैं कि पर्सपेक्टिव को क्या हम कैसे समझेंगे, व्हाट इज पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव का मतलब है लर्नर, जब आप कभी भी कोई जो रेलवे लाइन जाती है, रेलवे लाइन के जब आप एक जगह पे खड़े होकर रेलवे लाइन को दूर तक देखते हैं, तो आप देखना कि वो दोनों लाइन एक जगह एक पॉइंट में जाके मिक्स लग गया है, मतलब एक पॉइंट में जाके ज्वाइन कर लिया है। तो ये इसको कहते हैं हम पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव का मतलब हम जब कोई रास्ते में खड़े होके जो लैम्प पोस्ट है हम देखते हैं, वो लैम्प पोस्ट को हम ऐसे देख लगेगा कि जो हमारे सामने वाला लैम्प पोस्ट है वो सबसे बड़ा है, और धीरे धीरे लैम्प पोस्ट छोटा होता जाता है और जाके एकदम सामने जाके वो कहीं एक पॉइंट में जाके मिक्स हो जाता है, दैट इज कॉल्ड पर्सपेक्टिव। तो पर्सपेक्टिव का मतलब एक पिक्चर में भी हम जब सामने वाला पोर्शन देखते हैं जो हमारे एकदम आंखों के सामने है, देखिए ये पेंटिंग को आप देखो, ये जो सामने वाला पोर्शन है ये पोर्शन को हम कितना बड़ा बड़ा सा देख रहे हैं, और जो पीछे का जो हिल है, जो पेड़ पौधे है, वो कितना छोटा छोटा दिख रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि हिल तो बहुत ही बड़ा होता है, एक ह्यूमन फिगर से भी बहुत बड़ा होता है और पेड़ पौधे भी बहुत बड़े होते हैं, लेकिन आर्टिस्ट का जो बनाने का जो स्टाइल है, जो पर्सपेक्टिव उन्होंने मेंटेन किया है इस पेंटिंग में, कितनी खूबसूरत तरीके से जो आपके सामने है फोरग्राउंड पेंटिंग। पेंटिंग को अगर हम दो भागों में डिवाइड करें, फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड, बैकग्राउंड का जो उन्होंने बनाया है, क्योंकि बैकग्राउंड बहुत दूर दूर का हमें दिखाई दे रहा है, जो चीज़ हमें डेप्थ हमें दिखता है कि पेंटिंग में कितना डेप्थ है, लेकिन एक कागज में ही आर्टिस्ट बनाते हैं कि एक छोटा सा कागज में उन्होंने बना के रख देते हैं, लेकिन उसमें जो डेप्थ का नजर आती है फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड की से ही हमें पता लगता है कि आर्टिस्ट ने कितना खूबसूरत तरीके से फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड को इतनी अच्छी तरह से बनाया, तो सो दैट उसका पर्सपेक्टिव बिल्कुल समझ में आती है, पर्सपेक्टिव को बहुत ही अच्छी तरीके से बनाते हैं। ये मिनिएचर आर्ट है। राजा जब मैदान में आते हैं, कहीं से जाते हैं या मैदान में आते हैं युद्ध के लिए, तो वहाँ पे कितने सारे उनका सैन्य होते हैं एंड सोल्जर होते हैं, एंड कितने सारे एनिमल्स भी होते हैं, लाइक घोड़े पे आते हैं, एलिफेंट पे आते हैं, जो ये कितना खूबसूरत कॉम्पोजिशन है, देखिए जो बहुत ही खूबसूरत कॉम्पोजिशन है, इसमें जो है बैकग्राउंड को जो दिखाते हैं कितना दूर तक हमें दिख रहा है कि जो ग्राउंड है कहाँ कितना दूर तक हमें बिल्कुल देख के पता लग रहा है कि कितना बड़ा ग्राउंड है, लेकिन आर्टिस्ट ने तो एक छोटा सा कागज पे बनाया है, लेकिन यही चीज़ है पर्सपेक्टिव की खूबी है, बैलेंस है, हारमोनी है, रिदम है, यही चीज़ है जो बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट जो बनाते हैं हमें क्यों अच्छा लगता है, ये सारी चीज़ें उन्होंने मेंटेन करते हैं। ये दूसरा पेंटिंग आप देखिए, ये पेंटिंग में देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से
कंपोजिशन को कितनी खूबसूरत तरीके से डिवाइड किया है, कितने सारे भागों में उन्होंने डिवाइड किया है। एंड राजा और रानी का जो पिक्चर उन्होंने बनाए हैं, राजा रानी अपने घर की कोर्टयार्ड में घूम रहे हैं, और ये राजा और रानी के पीछे रानी की सखियां रानी का सेवा कर रहे हैं, और ये जो एक जो उन्होंने जहाँ पे सिंहासन जो बनाए हैं कितनी खूबसूरत तरीके से, नीचे जो है छोटा सा राजकुमार को बनाए हैं, और वो कितना चारों तरफ, क्योंकि एक छोटा बच्चा होता है ना जो वो कलरफुल, बहुत ही कलरफुल चीज़ें पसंद करते, तो आसपास में उन्होंने जो चीज़ बनाई है वो बहुत ही कलरफुल चीज़ें बनाई, कहीं ग्रीन कलर है, कहीं रेड कलर है, कहीं ब्लू कलर है, तो इस तरह से उन्होंने जो कंपोजिशन बनाए हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से। और जो पीछे का जो उनका जो राज महल, महल की जो दीवार है वो कितना खूबसूरत तरीके से बनाए हैं, दीवार के बीच में जो पोर्शन है जहाँ से वो पीछे अपना ग्राउंड को देख सकते हैं, ये कितना खूबसूरत तरीके से बनाया। और पीछे का ये बैलेंस देखिए जरा पिक्चर का, पीछे का जो पोर्शन है वहाँ पे उन्होंने बिल्कुल छोड़ा नहीं कोई भी जगह, वहाँ पे भी पेड़ पौधे इतने खूबसूरत तरीके से बनाए हैं, ताकि वो पूरा पेड़ तो नहीं दिखा सकते क्योंकि पीछे नीचे का पोर्शन वो जो दीवार है वो आ गया है, लेकिन वो जो पत्ते हैं और जो अपना पेड़ का जो बड़े बड़े डाल है, तो वो जो दिखता है वो कितना शाखाएं है, ब्रांचेस है, वो ऊपर से दिखता है, कितना खूबसूरत तरीके से दिखाया है उन्होंने, तो कि ये पेंटिंग में कहीं कहीं कोई भी कमी नहीं रह गया है। ये पेंटिंग देखिए, ये पेंटिंग में बहुत खूबसूरत एक मिनिएचर आर्ट का जो इन्होंने पेंटिंग को बनाए हैं, ये पेंटिंग में नीचे राजा और रानी जो अपने माला, रानी ने माला लेकर खड़े हैं, और एक पीछे का जो पोर्शन है राजा एक ऐसी अपने झूला में झूल रहे हैं, और रानी आके वो माला राजा को पहनाने जा रहे हैं, पहनाएंगे, और वो जो माला का जो बीट्स है, बीट्स को हम एक एक बीट्स को हम गिन सकते हैं, इतनी बखूबी से उन्होंने बनाए हैं। और जो पेड़ बनाए हैं, पेड़ का जो कलर है एंड पेड़ में जो पत्ते हैं, पत्ते को कितना सुंदर वाइटिस मतलब ग्रीन कलर से दिया है, लेकिन उसमें वाइट कलर का भी जो कम्बिनेशन उन्होंने डाला है बहुत ही खूबसूरत है। अब ये पेंटिंग में हम देख सकते हैं राधा एंड कृष्ण का जो पेंटिंग हम देख सकते हैं, ऊपर में छाता पकड़े हुए छाता है, एंड क्योंकि कृष्ण भगवान भी तो राजा ही थे, और उस आस हम जब कृष्ण भगवान की बात करें तो हम गाय की बात अगर छोड़ दें तो अधूरा रह जाएगा। गाय को कितना अच्छा बनाए हैं, आधा बीच में दोनों खड़े हैं और आधा पोर्शन राधा के पीछे से है, आधा पोर्शन कृष्ण के पीछे से है। ये जो खूबी है ये कांगड़ा आर्ट की है, ये कांगड़ा आर्ट है, और ये जो खूबी है कृष्ण भगवान एंड राधा का जो पेंटिंग बनाए हैं, कितनी खूबसूरत तरीके से राधा सहमी सहमी सी है, एंड सॉफ्ट इस कलर जो यूज़ किया है, सॉफ्ट कलर यूज़ किया है, एंड ये जो वृंदावन की जो नीचे से थोड़ा सा पानी बह रहा है। दूसरा पेंटिंग में हम आते हैं जहाँ पे राधा एंड कृष्ण दोनों राश कर रहे हैं, और एक जगह पे है सखी अपने एक हरिन के साथ, मैं डियर के साथ, वो बहुत ही अच्छे खेल रहे हैं, हम कह सकते हैं ये खेल रहे हैं, और वो जो खेलने का जो स्टाइल है, हरिन देख रहे और ये भी सखी भी हरिन को देख रहे हैं, ये जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने पेंटिंग को बनाते हैं। और देखिए एक बाएं तरफ का जो पिक्चर है राधा एंड कृष्ण का जो पिक्चर बनाए हैं, और उसमें जो छोटे छोटे जो पेड़ बनाए हैं उससे पता लग रहा है कि राधा एंड कृष्ण कोई गार्डन में अपना समय बिता रहे हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत पिक्चर है, ये पिक्चर में हम देख सकते हैं तीनों जो कॉस्ट्यूम का जो कलर है, तीनों कॉस्ट्यूम अलग अलग से बनाए हैं, और तीनों का जो डांसिंग स्टाइल है, तीनों डांसिंग स्टाइल बिल्कुल अलग, क्योंकि महल में या राजपूत स्टाइल में ये पहाड़ी मिनिएचर में ये सारी चीज़ें आती है, सारी स्टोरी आती है, गीत गोविंद की स्टोरी तो भरे पड़े हैं कृष्ण भगवान की, एंड जो रिलीजियस स्टोरी, और ये जो पेंटिंग जो बनाए हैं इसमें तीन सखियाँ अपने डिफरेंट पोज में डांस कर रहे हैं। ये इसी में दिखाई देता है कि उस समय पे जो पेंटिंग ही नहीं, उन्होंने अपना डांस का मुद्रा को भी कितनी खूबसूरत तरीके से समझते थे, तभी ये इतना खूबसूरत स्टाइल उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट वे में बनाए हैं, डिफरेंट डिफरेंट पोज में बनाए हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विदा लेते हैं,
नमस्कार।